नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जेएसएससी से रिलेटेड कोई भी सूचना हो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहां पर जो लाया हूं उसमें है जेएसएससी पंचायत सचिव में फाइनल आंसर की 3 अक्टूबर को आ गई है। जैसे और 3 अक्टूबर का आने के बाद इसमें बहुत सारे लोगों का इनमें कहना है कि कमेंट्स आई है कि बहुत सारे जो है आंसर अभी भी गलत है, और किन्हीं किन्हीं का कहना है कि जो टेंटेटिव आंसर की में जैसा था वैसे ही फाइनल आंसर की में। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड पल पल की खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन का दबा दें और एक लाइक जरूर कर दें दोस्तों। सबसे पहले और बहुत सारे दोस्तों ने ऐसे भी कमेंट्स किए हैं कि सर, किसी ने पूछा है कि पहले जितने सही थे अब वो भी गलत कर दिए हैं, मतलब उधर से जो सही को भी गलत कर दिए हैं फाइनल आंसर की में जेएसएससी ने। तो आपके लिए क्या ऑप्शन बचता है, क्या करना है आपको आगे देखिए। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर इस परेशानी, उससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या क्या हमारे पूछे हैं कि 4 फरवरी का हिंदी का टेंटेटिव आंसर का कोई फाइनल फाइनल कर दिया है, कोई चेंज नहीं है, सबसे ज़्यादा रॉन्ग उसी में था। अगर आंसर चेंज नहीं हुआ था तो अदर लैंग्वेज वालों को फ़ायदा होगा, इस तरह से एक ने कमेंट्स किया है। दूसरे में किया है कि हिंदी में कोई सुधार नहीं हुआ 4 फरवरी वाले में, और एक ने पूछा है प्लीज़ सर रिप्लाई में बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर सेम ही है, 21 वाला हिंदी के दिन में सेम ही है और अब 10 गलत। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना है कि जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, जैसे कि मैंने किया, देखिए jssc.nic.in पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा, देखिए कॉन्टैक्ट अस में दिखेगा कि जेएसएससी ऐप से आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उससे जुड़ सकते हैं। तो इसमें जुड़ने के लिए देखिए 3-4 ऑप्शन है, उसमें उसी के थ्रू आप जा सकते हैं। सबसे पहला जो है इसका जो मेन जो ऑफिस है वो कलिंग नगर चाय बागान नामकुम रांची है, यहाँ पर जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, अधिकतर टेलीफोन तो कोई आईटी सेल वाले उठाते नहीं हैं, फोन्स को रिसीव नहीं करते हैं। कभी कभी परेशानी ऐसा भी होती रहती है कि आईटी सेल वाले सही जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन की कमी रहती है कि, और तो ऐसे भी हुआ है देखिए। और एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, इसमें ईमेल में क्या देखिए, jharkhandssc@redif.mail.com, इस पर ईमेल आप कर सकते हैं। ईमेल से अगर कुछ होगा तो ठीक है, आप जहाँ कहीं से भी हो आप एकत्रित कीजिए जितने भी रॉन्ग आंसर हुए और क्वेश्चन का गलत किए उन्होंने सही होते हुए भी, और उनको फिर ईमेल करके उनको सूचना पहुंचाना है, क्योंकि बहुत उनके हो सकता है कि उनके आईटी सेल वालों को अभी भी कि इसकी सूचना नहीं होगी कि उन्होंने गलत आंसर की जारी किया है, हो सके तो फिर से इसके आंसर की आ सकती है। फिर अगला जो है, मैं इसके ईमेल को अलग से भी लिख दिया हूँ, देखिए आप देख सकते हैं कि jharkhandssc@redif.mail.com, यहाँ ऐसे लिख के आप इसमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में विजिट करके आप उससे उससे इन्फॉर्मेशन, या आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी आप जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि सही और सही सूचना जो है उन तक आप पहुँचा सकते हैं दोस्तों।